ग्लोबल मार्केट्स मिले जुले हैं, लेकिन कच्चे तेल में बड़ा उछाल क्या भारतीय बाजारों का मूड खराब करेगा या फिर ग्लोबल संकेतों को नजरअंदाज कर फोकस करेंगे हम एक्सपायरी पर? क्या हो आपका ट्रेड? शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और बाजार के लिए आज जो संकेत है उन पर चर्चा करने से पहले एक चीज और है अनिल जी, कि हमारे लिए तो दिल्ली वासियों के लिए एक संकेत बेहतर है और वो है बारिश का। तो फाइनली यहाँ भी, और इनफैक्ट आप तो बॉम्बे में भरपूर बारिश देखकर और आप आए तो बारिश साथ ले आए। बिल्कुल, यहाँ मतलब मैं क्या करूँ, मेरा नसीब ऐसा है कि जो काम मैं नहीं करता हूँ उसकी भी क्रेडिट मिल जाती है तो अपने आप हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि आज जिस तरह से दिल्ली में बारिश होती हुई दिख रही है, जो सूखा खत्म हो रहा है, दो जगह सूखा खत्म हुआ है कल देर रात, एक तो दिल्ली में और दूसरा अर्जेंटीना में, जो मेसी का पूरे विश्व कप में ऐसा लग रहा था कि कम से कम एक वो गोल मार पाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटा होगा और अब अंतिम 16 में पहुंच गए। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि अर्जेंटीना अंतिम 16 में तो जैसे तैसे पहुंच गया है, अब अगर मेसी फॉर्म में आ जाए, कमाल दिखा पाए, तो वो फुटबॉल जो हम देखना चाहते हैं शायद देखने को मिले, और वो बारिश जो हम देखना चाहते हैं वो भी देखने को दिल्ली में दिख रही है। बिल्कुल। लेकिन आज की शुरुआत से पहले अगर संकेत देखें विदेशी बाजारों से, तो अमेरिका से कह सकते हैं कि संकेत उतने बुरे इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार 9 दिनों से जो कमजोरी दिख रही थी वो थोड़ी थमती हुई दिखी है। डाउ जोन्स 30 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है कल के सत्र में। एशियाई बाजार मिले जुले हैं, एसिक्स निफ्टी भी 1/4% नीचे ट्रेड करा है। लेकिन कच्चा तेल, ये थोड़ा मूड आज खराब कर सकता है। अमेरिका की ओर से जो बयान आया है कच्चे तेल को लेकर, उसके बाद कीमतों में उछाल बना और ब्रेंट का भाव $76 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सरकारी बैंकिंग स्टॉक, स्पेशली जो छोटे सरकारी बैंक हैं, उनका उन पर भी आज शायद दबाव देखिए, क्योंकि आरबीआई ने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा है कि बैंकों के जो ग्रॉस एनपीए हैं वो मार्च 2019 तक बढ़कर 12.5% या फिर 13% के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप के स्टॉक्स, टाटा सन्स की आज बैठक का दूसरा दिन है, ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। फोर्टिस, नतीजे खराब आए हैं और नतीजे बाद आज आपको करना क्या, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे आईपीओ मार्केट की भी। वैरोक इंजीनियरिंग के आईपीओ का आज दूसरा दिन है, क्या करना है आपको लिस्टिंग के हिसाब से, निवेश के हिसाब से, ये भी बताएंगे। तो ओवरऑल संकेत अगर देखें अनिल जी, तो आज की ओपनिंग से पहले कैसे लग रहे हैं अमेरिका, क्रूड, एशिया सबको देखते हुए? देखिए, संकेत मिले जुले हैं। एक और जहां देखिए कच्चे तेल में जो तेज उछाल हुआ है वो हमारे लिए अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कच्चे तेल पर ज्यादा रिएक्शन देते नहीं है, और दूसरा अच्छी बात यह है कि हम ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी पर भी ज्यादा रिएक्शन देते नहीं है। तो करेंसी कमजोर है, कच्चा तेल ऊपर है, बैलेंस शीट तो खराब होने वाले संकेत ही हैं। और दिक्कत की बात दीपाली, जितनी आपको $80.5 के आसपास ये दिख रहा था, $80-$80.5 के आसपास जाकर कच्चा तेल बार बार रुक जाता था ऊपर जाने से, वही चीज़ आपको $73-$73.5 पर नीचे की तरफ भी दिख रही है। वहाँ से नीचे भी नहीं जा रहा है, वहाँ से भी ऊपर आ रहा है। तो जो एक रेंज बन गई है, नीचे 73, ऊपर 80-81, शायद कच्चा तेल उसमें वक्त बिताता हुआ नजर आए। इस बीच अगर करेंसी थोड़ी मजबूत हो जाए तो बेहतर है, लेकिन करेंसी की मजबूती नहीं होना हम पर असर डाल रही है। तो ग्लोबल मार्केट से इस लिहाज से हमारे लिए पर्सनली अगर हिंदुस्तान के लिए देखें तो संकेत अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इन पर रिएक्शन देंगे नहीं। हम रिएक्शन किस पर देंगे, एशिया किस तरह से कारोबार करता है, अमेरिका में क्या कुछ हुआ। अमेरिका में मामूली से 40 पॉइंट की तेजी हुई, कोई खास बात नहीं, उम्मीद के मुताबिक ही अमेरिकी बाजार रहे कमोबेश। एशिया में आप देखिए तो सुस्त शुरुआत हुई है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे का हाल है, कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी है नहीं। तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों के लिए संकेत मिले जुले न्यूट्रल से थोड़े से नेगेटिव साइड पर कह सकते हैं। न्यूट्रल इसलिए है कि मार्केट ठीक है, नेगेटिव इसलिए कच्चा तेल और रुपया थोड़ा सा कमजोर है। बाकी संकेत कैसे लग रहे हैं, FIs के, DIs के, ट्रेंड, सेंटीमेंट ओवरऑल? कोई हाँ, एक चीज इंटरेस्टिंग दिख रही है, जो ये सारे संकेत, इनमें एक भी संकेत पॉजिटिव साइड पर नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, सारे न्यूट्रल साइड पर ज्यादा आ रहे हैं। ग्लोबल न्यूट्रल लिए हमने, FIs के संकेत न्यूट्रल है, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल है, FNO के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट थोड़ा सा कॉशियस है, खराब भी नहीं है तो अच्छा भी नहीं है, कॉशियस से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर कह सकते हैं, ट्रेंड न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर कह सकते हैं। तो ज्यादातर संकेत न्यूट्रल साइड पर है, और जब न्यूट्रल साइड पर बहुत ज्यादा संकेत हो तो दीपाली इसका मतलब ये होता है कि शायद बाजार आपको बड़ा मुंह किसी भी तरफ न दे, दायरे में फंसा, हाँ, वक्त बिताने की कोशिश करे जहां पर है वहीं पर, और वो 7-8 ट्रेडिंग सेशन से हो भी रहा है, राइट। तो आज के लिए भी अगर आप देखें तो निर्णायक लेवल 2 है, निफ्टी पर 10,750 का, इसके ऊपर है तो थोड़े आप मूड अच्छा रख सकते हैं, इसके नीचे है हल्का सा सावधान है। बैंक निफ्टी पर 26,600 निर्णायक लेवल है, जहां पर कल आप बंद हुए लगभग वहीं पर, और निफ्टी में भी 10,750 के थोड़ा सा ऊपर ही बंद हुए, तो कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास ही निर्णायक लेवल आ रहे हैं। पहली बात,
अब जो डे ट्रेड के लिए आज से रेंज है, छोटी रेंज जो निफ्टी की दिख रही है वो है 10700 से 10835, हालांकि छोटी तो नहीं है लेकिन 125 पॉइंट के आसपास की जो रेंज बनती है 135 पॉइंट की, निफ्टी के लिए ये रेंज है, इसमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एक और रेंज दी आज मैंने निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर, जिसके जिक्र हम कल भी कर रहे थे, आप अंदाजा लगा सकती हैं क्लोजिंग बेसिस पर 10700 के नीचे क्लोज होंगे तो नीचे का रुख मिलेगा, 10800 के ऊपर क्लोज होंगे तो फिर से थोड़े आप पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो ट्रेडिंग रेंज भी आपको क्लोजिंग बेसिस पर भी मिल रही है कि ये इस इन लेवल के ऊपर या नीचे बंद हो तो आप एक मूड बनाएं कि किस तरफ बाजार जाने वाला है। अब आइए बैंक निफ्टी की छोटी ट्रेडिंग रेंज क्या है दिन के लिए, 26450 26700, ये है पॉइंट 250 पॉइंट की रेंज जिसके बीच में बैंक निफ्टी वक्त बिताता हुआ नजर आए आज के सेशन में। थोड़ी सी रेंज को बड़ी करनी हो आपको तो नीचे की तरफ 26400 और ऊपर की तरफ 26800, ये बड़ी ट्रेडिंग रेंज बन सकती है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। अब आइए आपको मजबूत सपोर्ट बता दूं कि निफ्टी पर कहां निकल कर आ रहा है, 10700 10725 निफ्टी पर बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा एक्सपायरी की वजह से आज के सेशन में, ये मानकर चलिए इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है। ऊपरी स्तरों पर 26400 माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी पर 26400 26500 बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा ये रेंज। तो बेसिकली सपोर्ट जोन का मतलब ये कि इन रेंज के आसपास इस रेंज में मिले तो आपको खरीदारी भी करनी चाहिए और शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए, ये देने का पर्पज ये है कि ये लेवल मिले तो आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, वहां पर शुरू करनी चाहिए खरीदारी, ठीक है, ये क्लियर है। अब आइए क्लोजिंग बेसिस पर, 10700 के नीचे निफ्टी बंद हो तो ही आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है पोजिशनल ट्रेड्स पर, राइट। 26500 के नीचे बंद हो बैंक निफ्टी तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है पोजिशनल बेसिस पर। तो दीपाली एक चीज जो अच्छी दिख रही है डेटा में वो ये कि बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ये 26500 पर आ गया, तो बैंक निफ्टी के लिए आपको क्लोजिंग बेसिस पर 100 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क है नहीं, तो ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। तो ये आज के डेटा हो गया आपके लिए। अब ट्रेड देख लें, खरीदे निफ्टी कमजोर शुरुआत हो तो जितना ज़्यादा नीचे खुले उतना बेहतर है, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही बढ़िया होगा, और खरीद लें 10700 के स्टॉप लॉस के साथ 10800 10825 ऊपर के लक्ष्य हैं, ये निफ्टी पर है, ठीक है। खरीद सेल करना है तो 10800 10825 की रेंज में खरीद बेचें, 10800 के जितना नज़दीक और ऊपर बेचेंगे सेफ रहेंगे, सेफ इन द सेंस के रिस्क कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि स्टॉप लॉस 10835 का बनता है लेकिन मैंने सेफ सेट पर 10850 का स्टॉप लॉस रखा है, वो इसलिए कि एक्सपायरी के एक दिन पहले थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो 10-15 पॉइंट की सेफ्टी रखना ठीक है। तो 10850 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, 10750 तक एक बार फिर से आपको नीचे मौका मिल सकता है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, छोटा स्टॉप लॉस दिन के लिए 26450 का है, वैसे 26500 का ही बनता है लेकिन मैंने अगर समझो कमजोर खुल जाए 26500 के आसपास मौका मिले तो और भी बढ़िया है, तो आप 26450 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर की तरफ 26700 और 26800 दो लक्ष्य आपके बैंक निफ्टी पर होने चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहिए बैंक निफ्टी को, और वो 26750 26800 वो परफेक्ट रेंज है जहां पर आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 25 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, वो 26825 का होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे शॉर्ट साइड पे ज्यादा रिस्क लेनी नहीं है, एक्सपायरी के एक दिन पहले पता नहीं भाग जाए कर जाए, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 26650 के टारगेट के लिए। पुट कॉल रेशियो 1.53 पर है, कंफर्टेबल है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं, विक्स 12.8 के आसपास है, कंफर्टेबल है, चिंता की बात नहीं। पॉजिटिव साइड पर आपसे ही संकेत लिया है एक मैंने सेक्टर का कि आप कह रही मुंबई में मैं बारिश दिल्ली में लेके आया हूँ, तो थोड़ा बारिश जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा ऐसा लगता है कि तेजी दिखा सकता है। अब पॉइंट ये कि आईटीसी रुक रुक कर चलता है बट अदरवाइज एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि तेजी दिखा सकता है, और कमजोरी वाले जो सेक्टर हैं उसमें कोई मेरी रिसर्च या मेरी इनसाइट नहीं है, बड़ा आसान सा कॉमन सेंस वाला मामला है, कच्चा तेल बढ़ा है और रुपया कमजोर है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर और एविएशन एयरलाइन शेयर थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, थोड़ा दबाव बन सकता है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये तो बात हुई सेक्टर्स की और स्टॉक्स की, लेकिन अभी शुरुआत में आपने FISDIS के आंकड़ों का जिक्र किया और वो दोनों ही FISDIS से संकेत आपने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, ऐसा क्यों, कल के बाजार में क्या रवैया रहा होगा? उसकी वजह ये है कि देखिए आमतौर पर है ना आप एक्सपायरी के आसपास बड़े आंकड़े देखती हैं, वो नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, मुश्किल से 538 करोड़ की बिकवाली की है, तो बिकवाली तो खराब है लेकिन बड़ी बिकवाली नहीं है। पॉइंट नंबर वन, FIS ने न कैश में बड़ा बेचा है न फ्यूचर्स में बड़ा खरीदा या बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर्स सिर्फ 118 करोड़ के बेचे, सामने स्टॉक फ्यूचर्स 300 करोड़ के खरीद भी लिए, तो नेट नेट स्टॉक्स में बिकवाली 225 करोड़ की है, ठीक है, तो बड़ी नहीं है, इंडेक्स में बिकवाली 100 करोड़ की, तो FIS की 100-200 करोड़ की बिकवाली में क्या है,
तो कुछ भी नहीं है। क्या ये इंडिकेट ये करता है कि उनको भी इंडेक्स लेवल्स को लेकर अभी कंफ्यूजन है कि किस तरफ जाएगा बाजार? पता नहीं, कंफ्यूजन है कि एक्सपायरी के हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए वायदा कारोबार के आंकड़े बहुत छोटे हैं, वायदा एक्सपायरी के आसपास मुझे कम से कम एफएनओ में तो बड़े आंकड़े चाहिए। अच्छा, घरेलू फंड को भी देखिए, सिर्फ 238 करोड़ का खरीदा, तो ऐसा तो नहीं कि बड़ा वो भी खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारे वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, या फिर एफआईएस के लिहाज से थोड़े से एफएनओ के एक्सपायरी के एडजस्टमेंट चल रहे हैं, तो इनको न्यूट्रल रखें। न इनसे मूड अच्छा करने की जरूरत है, न खराब करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल से हैं, जैसा माहौल है वैसे ही ठीक है। और अगर एफएनओ के आंकड़े देखें 10,700 10,800, ये आपने एक क्लोजिंग बताई है, निफ्टी की कला बता भी रहे थे कि 10,700 की पुट और 10,800 कॉल में मैक्सिमम बिल्डअप था, वही रुझान है अभी भी? वही है वही है, 10,800 पे मैक्सिमम नहीं है लेकिन बड़ा है। अच्छा, पहले 10,700 की बात करते हैं। चलिए, 10,700 के पुट में 50,00,000 शेयर हैं और कल भी 4,00,000 शेयर जुड़े हैं। 10,700 को इसलिए आप आसानी से तोड़ेंगे नहीं, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और जैसे ही आप, दीपाली एक सबसे बढ़िया बात क्या है, जैसे आप 10,700 के आसपास पहुंचेंगे ना, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। उसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली जो लेवल होती ना, उसको बाजार आसानी से तोड़ता नहीं। दूसरा ये कि अब भी 10,700 के कॉल्स में 22,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। उन जिन लोगों ने वो कॉल बेचे हुए मंदी की पोजीशन बनाई, तो जैसे आप 10,700 के आसपास आएंगे ना, वो अपनी मंदी की पोजीशन काटने की कोशिश करेंगे, इसलिए सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये तो 10,700 की बात हुई। 10,750 आज मेरा निर्णायक लेवल क्यों है? क्योंकि पुट में 11,00,000 और कॉल्स में 8,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो छोटा है लेकिन दिन के लिए वो अहम है। 10,800 के पार क्यों नहीं निकल रहे हैं? 38,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर बना हुआ है 10,800 कॉल्स में, लेकिन सामने सामने 10,800 के पुट में भी 23,00,000 शेयरों का है, ऑलमोस्ट बराबर, बराबर से थोड़ा, मतलब जितना 10,700 के कॉल पे है उतना 10,800 के पुट पर है। तो जैसे 10,800 पहुंचेंगे ना, तो जो पुट राइटर हैं, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, जिन्होंने पुट की पोजीशन बनाई है, पुट खरीदे, वो भी तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे ऊपर की तरफ। तो इसलिए ये रेंज में फंसे होने की वजह यही है, इसलिए 10,700 के नीचे की आपको क्लोजिंग नहीं मिल रही, 10,800 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल रही। तो ये डेटा में दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और डेटा इंपॉर्टेंट बताना जरूरी है। निफ्टी में कल 8,00,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं अक्रॉस सीरीज। इस महीने की जो सीरीज है वो 2 पॉइंट के डिस्काउंट पे है, और सोचिए अगले महीने की जुलाई सीरीज है, जुलाई सीरीज में दीपाली सिर्फ 2 पॉइंट की प्रीमियम है, तो मतलब कुछ है ही नहीं, बिना ही प्रीमियम के आपको रोल ओवर मिल रहा है। थोड़ा डिविडेंड हो सकता है लेकिन उसके बावजूद प्रीमियम नहीं के बराबर। रोल ओवर थोड़े से पिकअप हुए हैं 26.5% के आसपास निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में रोल ओवर 20.5% के आसपास है, थोड़े ठंडे ही हैं। अच्छा, अगले सीरीज में जो रोल ओवर हो रहे हैं, मैच 8 पॉइंट की प्रीमियम पे बैंक निफ्टी में रोल ओवर है, तो बहुत रोल ओवर में प्रीमियम है ही नहीं। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए तो ये सुनहरा मौका कि कम प्रीमियम में उन्हें अपनी पोजीशन आगे रोल करने का मौका मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी पे क्या लेवल्स अहम है वो बता दूं। 26,400 और 26,500 जो मैंने कहा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो क्यों है? 26,400 के पुट में 6,00,000 शेयर हैं और 26,500 के कॉल्स में 10,00,000 शेयर हैं, तो 26,500 आपके लिए पहले बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और उसके नीचे आप आसानी से जाएंगे नहीं। 26,600 आपके लिए निर्णायक लेवल इसलिए है कि वहां पर पुट में 3,00,000 शेयर और कॉल्स में 6,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो थोड़ा वो रस्सा कशी वाला मामला है। जैसे आप 26,600 के ऊपर टिकेंगे थोड़ा तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन बाद में 26,700 26,800 ऐसी जोन है जहां पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई हुई है, उसको पार करना मुश्किल होगा। तो ऐसा कोई बड़ा एकदम से मुंह आ जाए दिख तो नहीं रहा, लेकिन बात वही है कि बाजार जब हम सब लोग एक ही तरह से सोचने लगे तो एक सरप्राइज देने की या शॉक देने की कोशिश करता है। अब वो एक्सपायरी के से बढ़िया वक्त हो नहीं सकता जब ये शॉक दे, लेकिन फिर भी इन डेटा को देखकर दीपाली ऐसा लग रहा है कि वो अगर कुछ रेंज से बाहर निकलना है ना, तो शायद हो सकता है कल तक इंतजार करना पड़े, आज ना हो, ये एक संभावना लगती है। बाकी फिर ग्लोबल मार्केट्स पर देखें, उन पर देखना होगा ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और इनफैक्ट हर रोज अनिल जी इसी तरह की सटीक स्ट्रैटेजी बताते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कल का, कल भी निफ्टी बैंक निफ्टी पर जो राय आपको दी गई थी उसके हिसाब से ही ट्रेड होता हुआ दिखा। आप देखिए कि कल कौन से स्तर अहम बताए गए थे और कैसा कारोबार कल बाजार में दिखा। मंदी करने जैसा मार्केट दिख नहीं रहा, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और तेजी करने की हिम्मत नहीं है। कंडीशनल ट्रेड ये कि शॉर्ट कर दीजिए अभी, ठीक है, आज के हाई का 15 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर, नीचे में 10,765
10,750। आपको राय मिली इंडेक्स को लेकर, किसमें बिकवाली करें, निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर, डे लो पे निफ्टी, बैंक निफ्टी भी। तो 10,765 के लेवल्स आप क्या बात कर रहे थे अंतिम मिनटों की स्ट्रैटेजी के, और 1900 पर बंद हुआ है निफ्टी। बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी बैठी, और इनफैक्ट आज की जो रणनीति बताई गई है उस पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे 9:08 पर, ताकि सही और सटीक स्ट्रैटेजी आज आप बना सकें दोनों ही इंडाइसिस पर। लेकिन अब बात करेंगे आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट की, यानी स्टॉक ऑफ द डे। तो आज का स्टॉक कौन सा है? स्टॉक ऑफ द डे फोर्टिस हेल्थ केयर। अच्छा, रिजल्ट्स आए हैं इस वजह से? रिजल्ट्स आए हैं, दो तीन वजह है दीपाली। अच्छा, पहली बात तो रिजल्ट्स ही हैं, कोई डाउट नहीं, फाइनली आ गए। दो बार के नतीजे टालने के बाद कि आपका बच्चा स्कूल जाए और प्रिंसिपल रिजल्ट ही ना दे, तीन चार बार भेज दे रिजल्ट ही देंगे, फाइनली रिजल्ट आना अपने आप में अचीवमेंट है। अब रिजल्ट बहुत ही खराब आए वो दूसरी बात है, और वैसे भी मुझे लगता है कि फोर्टिस से किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रही होगी, लेकिन मार्जिन 0.25%, इसका मतलब क्लियर कट है कि हॉस्पिटल भगवान भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं एक्चुअली, ऐसा लगता है। पुराने प्रमोटर्स का फोकस नहीं है, नए प्रमोटर्स या जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट है वो कब ग्रिप लेगा वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, बाजार तो अभी फोर्टिस पर नतीजों पर तो रिएक्शन देगा नहीं, बाजार को रिएक्शन इस बात पर देना कि फोर्टिस कब और कैसे और किसको बिकती है, ठीक है, वो फाइनल क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले फोर्टिस को स्टॉक ऑफ द डे इसको चुनने के पीछे एक बड़ी वजह है, जो लोग पढ़ना लिखना समझना चाहते हैं उनके लिए ये जो कल रिजल्ट आए हैं, इस रिजल्ट की ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, और इसलिए मैंने आज स्टॉक ऑफ द डे चुना है। हम विस्तार से आगे इस पर लिंक भी करेंगे, रिसर्च करके भी आप बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से जो ऑडिटर्स हैं या जो मैनेजमेंट हैं उन्होंने सेबी को और SFIO जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको ये लिखा है कि आप फोर्टिस की बैलेंस शीट का, फोर्टिस के ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट कीजिए। अच्छा, किस तरह से कुछ ऐसी कंपनियों को लोन दिए गए हैं जो फिर बाद में प्रमोटर कंपनियाँ हो गई, वो पैसे 30 दिन के लिए 60 दिन के लिए दिए गए हैं, एक एक साल से आए नहीं हैं, बाकी है 230 करोड़ के आसपास की गुडविल में कमी ली गई है। गुडविल एक ऐसी एसेट है जो आपको खाली वैल्यू कर सकते हैं फोर्टिस के नाम से, फोर्टिस का नाम है तो फोर्टिस के नाम के साथ गुडविल बनी हुई है उसको आपने कम किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सीखने समझने लायक हैं। स्टॉक ऑफ द डे के नाते क्या इसे शॉर्ट करना चाहिए लॉन्ग करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग करने की तो फिलहाल कोई वजह ऐसी नहीं है कि, लेकिन शॉर्ट करने के लिए 134-135 में आप करके क्या कर सकते हैं, 125-130 वो रेंज है जो बहुत मजबूत सपोर्ट है फोर्टिस के लिए। तो बजाय स्टॉक ऑफ द डे में ट्रेड करना जरूरी है वो जरूरी नहीं, जरूरी क्या है स्टॉक को समझना। ये स्टॉक आज मैंने स्टॉक ऑफ द डे इसलिए लिया है कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट समझना है, जिन लोगों को कंपनी की बैलेंस शीट समझनी है, जिन लोगों को कंपनी की वर्किंग समझनी है, जिन लोगों को ये समझना है कि कोई कंपनी कब कैसे और किस प्राइस पर बिकती है, उन्हें ये रिपोर्ट जरूर पढ़नी समझनी चाहिए। तो कभी कभी पैसा बनने से ज़्यादा अहम ये होता है कि आपका ज्ञान बढ़े, और ज्ञान बढ़ने के लिए फोर्टिस की ऑडिटर्स रिपोर्ट आपकी बेहद काम की। ट्रेड करना ही है तो 1-2 रुपये ऊपर के आसपास का कोई एक सुटेबल स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 130-128 रुपये तक के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है वो डे ट्रेड के लिहाज से ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के लिहाज से करें, क्योंकि 125-130 वो रेंज है जहाँ पर फोर्टिस वैल्यू देता है आपको, 145-150 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स या जिनके पास स्टॉक है डिलीवरी में उनको बेच के नहीं निकल जाना है, और ये जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है वो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 1% बची है जो पुराने प्रमोटर्स हैं, तो इसलिए ये डरने घबराने की जरूरत नहीं कि प्रमोटर्स के खिलाफ ये अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है तो स्टॉक के लिए खराब है। स्टॉक के लिए खराब सिर्फ उनके रिजल्ट्स हैं, और वो भी फिर मैं एक बार फिर से कहूँगा 125-130 वो रेंज है जहाँ पर मजबूत सपोर्ट मिलता है, यहीं से स्टॉक घूमता है, अल्टीमेटली बिकेगा इस भाव से प्रीमियम पर बिकेगा। तो अगर आपको लेना ही है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए ताकि 145-150 आपको इवेंचुअली बाद में वापस मिल जाए। तो ट्रेडर हैं 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 4-5 रुपये के लिए बेच दीजिए,
और इन्वेस्टर्स हैं तो 125 रुपए या इसके आसपास कहीं अच्छा सा दाम देकर खरीदने की सोचें। ठीक है, तो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स दोनों के लिए रणनीति बताई गई है स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर फोर्टिस पर, और आगे शो के दौरान इनफैक्ट पूरी रिसर्च इन नतीजों से जुड़ी हुई आपके सामने लेकर आएंगे, और जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट आई उसमें क्या और खास बातें ये भी आपको बताएंगे। लेकिन राकेश बंसल हमारे साथ मौजूद है, तो फटाफट से एक राय उनकी भी ले लेते हैं स्टॉक पर। राकेश बताइए आपका क्या व्यू है। दीपाली, मैं अभी अनिल जी को इशारा ही करने वाला था, जो अनिल जी ने सपोर्ट का रेंज दिया 120-125, वो वाकई काफी इंपॉर्टेंट ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट है। अगर आप देखें तो सबसे पहले मुंजाल्स ने जो बाइंग करी थी वो 122 रुपए के अराउंड की बाइंग थी, और इन्हीं स्तरों के आसपास अगर आप राधा कृष्ण दमानी जी की भी बाइंग देखेंगे तो इन्हीं स्तरों के आसपास की बाइंग है, और जो पहला वैल्यूएशन आया था वो लगभग 120 रुपए के अराउंड का आया था, और इस जोन में अगर आप स्टॉक को खरीदते हैं तो वहां से खोने के लिए कुछ नहीं है। और जो अनिल जी ने बोला बिल्कुल उस राय से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और 120-125 के जोन में स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। मतलब आप इन स्तरों से भी 10 रुपए नीचे की गिरावट देख रहे हैं? नहीं, मैं 120-125 पर, लेकिन 125 जा सकता है ये प्रॉब्लम नहीं, अगर वो लेवल्स मिलते हैं। दीपाली, देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वहां तक स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा, बट वो लेवल्स अगर आते हैं तो वो एक बार्गेन सेल लेवल्स है। आप माने कि जो आप ब्रांड पहनते हैं वो आपको 80% अगर डिस्काउंट में मिल रहा है, 120-125 के लेवल्स बेहतरीन स्तर है, और बड़े नामों ने इन स्तरों के आसपास काफी बड़ा निवेश किया हुआ है, तो इन स्तरों से खोने के लिए कुछ नहीं है आपके। एक चीज है ना, ये बंसल जी मैंने भी कई बार इस्तेमाल किया और मार्केट में काफी लोग इस चीज का एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं कि जब मार्केट में सेल लगती है, कपड़े आपके 50-75-80% ऑफ में मिलते, तो हम दौड़ के जाते हैं खरीदने के लिए। लेकिन वहाँ आपको पता है इसके नीचे नहीं मिलेगा, प्लस वहाँ पे आपको ये भी पता है कि आप जिसके लिए जो प्राइस दे रहे हैं उसमें आपको वैल्यू क्या मिल रही है। स्टॉक मार्केट में ये सुनने में कहने में तो वाकई में अच्छा लगता है, हम भी कहते हैं, लेकिन मुश्किल ये कि क्या 50% ऑफ में जो आज स्टॉक मिल रहा है वो कल 55 में नहीं मिलेगा, कल 60 में नहीं मिलेगा, परसों 75 में नहीं मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। ये मुश्किल है बड़ी भारी। नहीं अनिल जी, मुश्किल है, बट देखिए जो देखिए हमारे यहाँ तो अनिल जी इंडिया के अंदर तो जो सेल लगती है ना वहां पर तो डिस्काउंट बढ़ता नहीं है, बट अगर आप इंडिया के बाहर जाएं तो वहां सुबह 40% होता है और शाम को 70% होता है, तो वो चीज बाहर तो लागू होती है, बिल्कुल वहां से बढ़ सकता है, बट अनिल जी अगर आप 6-8 महीने का नजरिया बना के चलते हैं तो मुझे लगता है कि दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और काफी बेहतरीन स्तर आपने चुने हैं। परफेक्ट, ओके। तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, राकेश बंसल, शुभम अग्रवाल और संदीप जैन, और हमारी पूरी टीम भी हमारे साथ तैयार है ये बताने के लिए आज खबरों के दम पर किन शेयरों में एक्शन दिखने वाला है। तो पूजा और रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पूजा पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज एक्शन में। जी आज पहले आईपीओ से शुरुआत कर लेते हैं, आईपीओ का अपडेट ले लेते हैं। वेरॉक इंजीनियरिंग का आईपीओ कल खुला है, 28 जून को आईपीओ बंद होगा, और पहले दिन इस आईपीओ में करीब 33% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, तो इस आईपीओ पर हमारी नजर रहेगी कि आज किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा मनपसंद बेवरेजेस ये भी आज फोकस में रहेगा, कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजे आएंगे और नए ऑडिटर्स भी इस कंपनी को लेकर कुछ रिपोर्ट जारी करेंगे, तो इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी है। इसके अलावा SBI यहाँ पर खबर आई है कि NCLT ने SBI के इंसॉल्वेंसी याचिका को मंजूर कर लिया है उत्तम वैल्यू स्टील के खिलाफ। यहां आपको बता दें कि SBI का करीब 334 करोड़ का एक्सपोजर है इस कंपनी में, और कुल मिला के बाकी बैंकों की बात करें तो इस कंपनी का करीब 3000 करोड़ का कर्ज बकाया है तमाम बैंकों पर। तो SBI ने इंसॉल्वेंसी की याचिका दी थी जिसको कि NCLT की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, और ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं विजया बैंक और IDBI बैंक की, ये दोनों बैंक भी आज फोकस में रहेंगे। DS कुलकर्णी को दिए गए लोन पर तमाम बैंकों से सफाई मांगी थी और इन दोनों का क्लैरिफिकेशन आया है, और दोनों का ही कहना है कि जो भी लोन दिए गए हैं उसमें किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, नियम के RBI का जो भी नियम था उसी के गाइडलाइंस के मुताबिक ये लोन दिए गए हैं। और IDBI बैंक ने बताया है कि करीब 45 करोड़ का एक्सपोजर है इस कंपनी में, तो ये क्लैरिफिकेशन इन दोनों बैंकों की तरफ से, उसके चलते ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। रजत के पास भी कुछ स्टॉक्स हैं ऐसे ही खबरों वाले, रजत आप बताइए आपके पास कौन से शेयर्स हैं। जी पहला तो फोर्टिस ही है, इनफैक्ट जो भी आप बात कर रहे थे मैं नतीजे फटाफट से बता दूं कि नतीजे तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत समय बाद कंपनी ने दिए हैं। तो क्वार्टर फोर में जो आए हैं उसमें 3% के आसपास का ड्रॉप है, 1086 करोड़ की फिगर कंपनी दर्ज की है। बेटा 10-10.5 इनफैक्ट 11% के आसपास टूटा है, तो कमजोर नतीजे हैं। बेटा मार्जिन देखिए 7% से घटकर 1.2% हुए हैं, और घाटा बढ़ गया है 914 करोड़ का तगड़ा घाटा, वो इसलिए क्योंकि कंपनी को एक मुश्त घाटा हुआ है 833 करोड़, इसलिए क्योंकि गुडविल राइट ऑफ है और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के
वजह से कंपनी बता रही है कि यहाँ पर एक मुश्त घाटा देखने को मिला है। कमजोर नतीजे आप देखते हैं आज इम्पैक्ट कैसे डालता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन स्ट्राइड शासुन और सीक्वेंट साइंटिफिक ये दो कंपनी आज फोकस में है, क्योंकि इसलिए कि सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज आज बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने जा रही है। ये बता दें आपको कि ये जो दोनों ही कंपनियां हैं स्ट्राइड शासुन और सीक्वेंट साइंटिफिक, इनका एपीआई कारोबार जो डीमर्ज हुआ था वो अब सोलारा एक्टिव फार्मा के नाम से लिस्ट होने जा रहा है। स्ट्राइड शासुन ने अपना कॉमोडिटी एपीआई और सीक्वेंट साइंटिफिक ने अपना ह्यूमन एपीआई कारोबार को डीमर्ज किया था। अब शेयरधारकों को बेनिफिट इसलिए क्योंकि स्ट्राइड्स के 6 शेयर के बदले सोलारा का 1 शेयर मिलेगा और सीक्वेंट साइंटिफिक के 25 शेयर के बदले सोलारा का 1 शेयर मिलेगा। देखना होगा सोलारा एक्टिव फार्मा की लिस्टिंग कैसे होती है। साथ साथ कुछ कंपनियां हैं जिसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस शामिल है। आज बोनस शेयर जो जारी किया था कंपनी ने उसकी एक्स डेट है, एक शेयर पर एक बोनस इश्यू कंपनी ने ऐलान कर दिया है। तो आज ये स्टॉक आपको पिछली क्लोजिंग के हिसाब से लगभग आधे भाव पे देखेगा, लेकिन बोनस शेयर कल खबर ये थी कि 9% टाटा सन्स जो अपना हिस्सा घटा सकते हैं वोल्टास में, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसी कोई भी खबर आप स्पेकुलेटिव मान के चलें, अभी तक बोर्ड ने कोई भी इस पर डिसीजन नहीं लिया है। विप्रो और कोटक महिंद्रा बैंक पर खबर यह है कि जुलाई 19 और 20 को तो है विप्रो की बोर्ड बैठक, 20 जुलाई को कंपनी के नतीजे जारी होंगे, तिमाही नतीजे FY19 के, और कोटक महिंद्रा बैंक के 19 जुलाई को नतीजे आएंगे। FY19 के पहली तिमाही के नतीजे कोटक महिंद्रा बैंक 19 जुलाई को जारी करेगा अपनी बोर्ड बैठक में। और आखिर में एवरेडी, जिसमें 25 जून को प्रमोटर ने 15,000 शेयर्स, बहुत कम क्वांटम है, लेकिन एवरेडी के 15,000 शेयर्स प्रमोटर ने खरीद लिए और एक्सचेंजेस पे तारीख बताई गई है 25 जून। ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर देखने वाले हैं एक्शन में। आइए शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को, लेते हैं उनकी राय और पूछते हैं कि कहां आज मौके बनेंगे। जैन साहब, शुरुआत आपके साथ की जाए, बताइए 10,700 के नीचे बंद नहीं होता, 10,800 के ऊपर बंद नहीं होता, आज और कल एक्सपायरी के पहले क्या इस रेंज से बाहर निकलेगा बाजार? देखिए, एक्सपायरी वीक है तो सर्टेनली बहुत बड़ा एक वो रहता है या कन्फ्यूजन रहता है इस वीक में, बट मुझे ऐसा लगता है कि 10,700 इज़ अ गुड सपोर्ट, वहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, और 10,820-30 ये एक रेंज होगा जहाँ पे रुकना चाहिए। बाकी कोई विशेष कोई अच्छे ट्रिगर्स तो है नहीं, ट्रेड वरीज है ही है, क्रूड ऑयल वाली प्रॉब्लम और अब तो बनने लगी है, वापस एक बार लगा था कि रेजिस्टेंस फेस करेगा बट जिस तरीके से कल बढ़ा है, और सप्लाई वाली जो 22 जून वाली मीटिंग थी वो भी ख़त्म हो गई, तो ट्रिगर्स तो अब खराब ही लग रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा बेट कुछ अच्छे लगते हैं और वहाँ पे मैंने कुछ चुना भी है, जैसे कि इपका लैब है, कल खराब मार्केट में भी, शुरुआत में जब खराब था मार्केट तो भी ये बाउंस बैक किया अच्छा खासा करेक्शन के बाद, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि लेना चाहिए बिल्कुल उसको। कोल्टे पाटिल एज अ डेवलपर ठीक लगता है और थोड़ा ये भी करेक्शन देख चुका है, और एक HDFC लिमिटेड, इन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मार्केट भले ही नहीं चले बट कुछ ये जो स्टॉक्स है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जहाँ पे अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, सर्टेनली वहाँ पे निवेश करना चाहिए, कोई भी टाइम होगा एक साथ स्पर्ट आ सकता है जी। शुभम अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी ट्रेडिंग पिक्स से पूछ लेते हैं। गुड मॉर्निंग शुभम, बताइए आपके चॉइसेस क्या हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। सो दो स्टॉक है और दोनों ही बाई साइड पर है। सो जो पहला कॉल है वो TCS पे है, कल सुबह हमारी ऑप्शंस के सुंदर वाले कैटेगरी में इसमें बात भी हुई थी, और कल 1850 का जो कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया गया था वहाँ 200% का रिटर्न मिल चुका है। तो आज का जो कॉल है वो ट्रेडर्स के लिए नहीं है, वो थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए होल्डिंग पोजिशनल परस्पेक्टिव से है। तो मुझे लगता है कि TCS में जो कल मूव शुरू हुआ है वो कंटिन्यू होगा, और IT एज अ सेक्टर ओवरऑल मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा नेक्स्ट सीरीज में भी, और TCS में अभी भी यहाँ से अपसाइड बहुत बाकी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, टारगेट होगा 1950 का और स्टॉप लॉस होगा 1800 का। और जो दूसरा कॉल है वो SBI पे है। SBI को अगर हम देखें तो एक अच्छे ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला था कुछ समय पहले, और उसके बाद से करेक्शन में चल रहा है स्टॉक, और मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन हो रहा है वो टेम्पररी है, और फिर से स्टॉक में हमें एक अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा, और फिर पोजिशनल परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो एक अच्छे लेवल पर यह स्टॉक मिल रहा है जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय होगी, यहाँ टारगेट होगा 280 रुपये का, स्टॉप लॉस रखना है हमें 262। और कल शुभम जी आपका TCS का जो सस्ता वाला कॉल ऑप्शन जो था वो सुपर हिट रहा, उसके लिए तो इतनी बधाइयाँ मिल रही ट्विटर पे, काम आपने अच्छा किया, बधाई हमको मिल रही थी, हम फायदा उठा रहे हैं, मतलब लोग बड़े खुश हैं कि 5 रुपये का कॉल 12 रुपये हो जाए, और क्या चाहिए इससे बढ़िया, मतलब एक दिन में आपका डबल से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉल रहा है, थोड़ी सी अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी
शुभम जी से कि और ज्यादा ऐसा नहीं है, जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन बंसल जी से बढ़ी हुई है। बंसल जी भी दमदार कॉल्स देते हैं। बंसल जी आज कौन से हैं? और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा लग रहा है आज थोड़े बाय कॉल्स ज्यादा होंगे आपके। हाँ अनिल जी, बाय कॉल्स ज्यादा है ना, थोड़ी स्माइल भी दिख रही है आपके चेहरे पे, उससे अंदाजा लगाया मेरे। बताइए सर। अनिल जी, पहला तो एक सेल कॉल है बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज पर। इस स्टॉक ने कल के सत्र में एक चैनल ब्रेकडाउन दिया है, 1112 का एक स्टॉप लॉस, 989 का एक टारगेट। दूसरा एक बाय कॉल बर्जर पेंट पर, जो कि पेंट स्टॉक्स के एकदम विपरीत चल रहा है, 278 का एक स्टॉप लॉस, 294 का टारगेट। तीसरा एक बाय कॉल ब्रिटानिया पर, काफी स्ट्रांग टेक्निकल रुझान है, एक्सपायरी के नजरिए से इसे बाय करें, 5950 का स्टॉप लॉस, 6200 का टारगेट। और किसी को अगर एक स्टॉक लेना हो, टॉप पिक मेरा TCS रहेगा, जिसने कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन दिया। अनिल जी, इस स्टॉक को आपने स्टॉक ऑफ द डे में लिया था 1800 रुपए के अराउंड, अब लगता है 1800 रुपए एक बेस है, उसके नीचे स्टॉक मुझे लगता नहीं है निकट भविष्य में जाएगा। 1800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 1930 के स्टॉप लॉस के लिए TCS को खरीदें। ओके, TCS पे आप भी बुलिश हैं, शुभम जी भी बुलिश है, चलिए अच्छा है स्टॉक चले। और तो सबसे बढ़िया बात TCS में आप लोग जो पॉजिटिव हो रहे हैं, उसमें मुझे एक अच्छी चीज़ जो दिख रही है वो ये कि आप TCS को मजबूत रखेंगे तो निफ्टी नहीं गिरेगा। सबसे बढ़िया बात ये है कि निफ्टी मजबूत रहेगा तो बाकी बाजार का काम होता रहेगा कम से कम। तो चलिए ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन देख लेते आज ब्रोकरेज हाउस कहाँ पर बुलिश है या फिर कहाँ पर वो अपना वेटेज कम कर रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप बताइए किस तरह की रिपोर्ट्स हैं आज? बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं अनिल जी। आप इनफैक्ट जो पहली रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा ना, आपको सुन के काफी हैरानी होगी कि मॉर्गन स्टैनली इसके ऊपर कवरेज शुरू कर सकता है। आप गैस कीजिए क्या नाम होगा, थोड़ा अंदाजा कुछ फिलहाल की लिस्टिंग है, क्यों देता हूं आपको बताओ। मैं गैस करूं क्या? नहीं, आपको पता होगा। 7 बजे के बोले दीपाली नहीं बताई, मैं कोशिश करता हूं। 7 बजे में नहीं था, फिर भी दीपाली मेहनत करके ज्यादा थी, ज्यादा पढ़ के आती, मैं ऐसे ही आ जाता हूं, इसलिए मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। बताइए थोड़ा सेगमेंट सेगमेंट बता दीजिए। एक्चुअली हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, पहले बताता हूँ आपको, और एक NBFC स्पेसिफिकली। इंडोस्टार कैपिटल है, इंडोस्टार पर किसकी मॉर्गन की? आपने गेस कर लिया सीरियसली? ओवरवेट रेटिंग के साथ, इनफैक्ट ओवरवेट रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू करी है। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए इसका लक्ष्य जो दिया है वो और भी इंटरेस्टिंग है, 650 रुपए का टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं। ओहो, चलिए काफी, मेरे ख्याल से IPO के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा था शायद, जहां तक मेरा अंदाजा है, तो कम से कम काफी लोगों को मौका मिलेगा। 520 रुपए के आसपास का प्राइस है, आप देखेंगे 520 का प्राइस है, दैट मींस कि यहां से करीब 25% के आसपास की अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है, तो जरूर आज स्टॉक में तो फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एंडेबल हाउसिंग के ऊपर भी नजर रखिए, CLSA की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग उन्होंने दी है, 1650 रुपए का टारगेट प्राइस है। उनका मानना है कि जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, उन्होंने अपने लेंडिंग रेट्स भी बढ़ाए हैं, इससे इनके जो मार्जिन हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। बायोकॉन के ऊपर एक देखिए HSBC का अपग्रेड आया है, पहले वो होल्ड की रेटिंग कह रहे थे, काफी लंबे समय तक उन्होंने होल्ड की रेटिंग रखी है, अब उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है, बाय की रेटिंग दी है और टारगेट भी बढ़ा दिया है, 715 रुपए कर दिया है, सीधे 536 रुपए से बढ़ाकर। वो कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे अहम बायोसिमिलर हैं जिसकी मंजूरियां केवल इसी कंपनी के पास हैं, और एक दो और मंजूरियां इनको EMA यानी कि यूरोपियन रेगुलेटर से भी मिल सकती हैं, तो एक बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए होगा। इसके अलावा नारायण होद्याल ये भी मॉर्गन स्टैनली की नजर में है, लेकिन वो इक्वल वेट रेटिंग अब भी बरकरार कर रहे हैं और टारगेट प्राइस को घटा दिया है, 250 रुपए के भी नीचे कर दिया है, पहले 350 रुपए के आसपास था। वो कह रहे हैं कि छोटी अवधि में इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर रह सकता है। 40s के मार्जिन की बात आप कर ही रहे थे अनिल जी, ये दूसरी कंपनी नारायण होद्याल जो कि हॉस्पिटल स्पेस में है, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली भी मानता है कि छोटी अवधि में जो मार्जिन है उन पर प्रेशर रह सकता है, जिस वजह से वो इक्वल वेट रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ AU स्मॉल फाइनेंस, इसके ऊपर IFL की रिपोर्ट है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं देखिए क्योंकि रेटिंग को बढ़ाया गया है, उसको बढ़ाकर ऐड किया गया है इनकी ओर से, और 710 रुपए की उन्होंने टारगेट प्राइस दिए हैं। एक तो पूंजी निवेश हो रहा है और दूसरी बात वो कह रहे हैं नतीजों में सुधार की उम्मीद है, जिस वजह से उन्होंने जो रेटिंग है उसको बढ़ाया है। और आखिर में SIS काफी कम देखते हैं कि हम ये स्टॉक ब्रोकर्स के रडार पे आता है, एडलवाइस की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग दी है, 1532 का टारगेट प्राइस है। एक तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है और दूसरा M&A एक्टिविटी, और दूसरे उसके साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ाने के ऊपर कंपनी का फोकस है, जिस वजह से एडलवाइस इसके ऊपर काफी
काफी पॉजिटिव है जी। तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स इन पर एक राय ले लेते हैं संदीप की। और संदीप जैन, इनफैक्ट फोर्टिस के नतीजे आए हैं, मार्जिन श्रिंक होकर सिर्फ 1% के आसपास रह गए हैं। नारायण हृदयालय पर मॉर्गन स्टैनली यही बात कह रहा है कि नई फैसिलिटीज जो ये खोल रहे हैं, इसकी वजह से आने वाले समय में इनके मार्जिन दबाव में रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने सीधे 100 रुपए इसका टारगेट भी घटा दिया है। अभी क्या व्यू है इस सेगमेंट में, और अगर निवेश करना हो तो कौन सा स्टॉक आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, इस सेगमेंट में एक जो मुझे अच्छी बात नहीं लगती वो ये है कि ऑप्शंस अब कम है और बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आता नहीं है, और फिर भी अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ जाऊंगा क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल समहाउ एक वो स्टॉक है जहां पे अभी भी पोटेंशियल है, बट वहां पे वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जब इस मार्केट में जहाँ पे ऑलरेडी 50-60% की सेल लगी हुई, और कल भी शो किया था एक आपकी चैनल पे ही, तो वहाँ पे फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना ज़्यादा समझदारी लगती है। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल के जगह पे, अस्पताल के जगह पे होटल ढूंढ ले, वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो सेगमेंट में फिर भी कन्विक्शन आता है, वहाँ पे वैल्यूएशन 10 साल से बहुत सस्ते पड़े हैं। बट फिर भी मैं हॉस्पिटल की बात है तो पहले हॉस्पिटल की बात पूरी कर लूँ। नारायण हृदयालय मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता नहीं लगता, बाकी हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक समहाउ अच्छे लगते हैं, तो वहाँ पे मैं थायरो केयर और डॉक्टर लाल पैथलैब्स वहाँ पे जाना चाहूँगा रादर देन गोइंग विद अ हॉस्पिटल। पहले मैं इंद्रप्रस्थ के बारे में बात करता था, बट वहाँ पे भी कोई विशेष कोई रिजल्ट्स और ये सब नहीं आ रहे, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट और अपोलो हॉस्पिटल की एक वो है वो जॉइंट वेंचर। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ऑप्शन इस सेक्टर में नहीं है, तो इसलिए मैं होटल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आजकल, और वहाँ मुझे एक पर्टिकुलरली होटल जो अच्छी लगती है वो सिंक्लेयर्स होटल्स है, बहुत ही बेहतरीन। प्रेसमैन ग्रुप की स्टेक है और मित्तल्स की स्टेक है, मित्तल्स मतलब जो ये सेंचुरी प्लाई वाले हैं उनकी स्टेक है, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखती है। ओके, तो चलिए ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। ओके, हॉस्पिटल स्टॉक्स, पहले तो ये सोचते थे कि अगर आपको लगता हो हॉस्पिटल में बिल ज़्यादा आ रहा हो या कोई भी ऐसा खर्चा हो जहां आपको लगता हो अनाप शनाप खर्चा हो रहा है, जरूरत से ज़्यादा हमें देना पड़ रहा है, तो उसका शेयर खरीद लो तो हेजिंग हो जाती थी। अब तो वो भी नहीं, हॉस्पिटल के मामले में बिल तो ज़्यादा आते हैं लेकिन अगर इन्वेस्टर हो जाए तो डबल मार पड़ जाती है। फोर्टिस के साथ इशू बने हुए हैं, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा है अभी तो वो स्टॉक चलता नहीं है। चलता नहीं है बिल्कुल, कल ही था ना मतलब ये शेयर चलता क्यों नहीं, कल ही आया था। चलिए अब चल जाए तो अच्छी बात है। इस बीच एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है, वो है वोल्टास। इस पर राय लीजिए जैन साहब। जैन साहब, ये कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से सफाई आई है और ये स्टॉक काफ़ी पिटा भी था, लगातार गिरता रहा और कल उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा जो हिस्सा बेचने की खबरें जो चल रही वो सही नहीं है, और उसके बाद कल भी थोड़ा स्टॉक मजबूत हुआ, देर शाम को ये खबर भी आई है। ये बताइए, वोल्टास 525 रुपये पर खरीदना है या बेचना है? देखिए, ये स्टॉक ऐसा है कि इन लेवल्स पे कोई बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं लगता है, बट टाटा ग्रुप की कंपनी है और वैसे एसी सेगमेंट्स पे थोड़े बुलिश थे, बट वहाँ पे दूसरे ऑप्शन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि जॉनसन कंट्रोल हिटाची है, वहाँ पे मैं ज़्यादा कन्विक्शन है मेरे को। बट फिर भी यहाँ पे और कुछ ऐसा भी है कि कुछ नए सेगमेंट्स में ये लोग विस्तार करने वाले हैं, तो ओवरऑल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बाकी फ्रेश बाइंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आता। और ये जो कल क्लैरिटी दी है उन्होंने, उसके बाद थोड़ी बहुत तेजी भी आई थी, सो लेट्स सी क्या होता है जी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, राकेश बंसल, शुभम अग्रवाल और साथ ही साथ संदीप जैन साहब भी। आइए फोकस करते कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन दिखेगा। बायोकॉन, शुभम जी जरा देखिए इसके वायदा कारोबार के आंकड़े और बताइए क्या खरीदारी करने का मौका है, क्योंकि आज एक रिपोर्ट में देख रहा हूं और वो है एचएसबीसी की। वो कह रहे हैं कि 536 रुपए से इसका टारगेट बढ़ाकर उन्होंने किया है 715 रुपए का। बताइए आपके लिहाज से क्या करना चाहिए? अनिल जी, बायोकॉन पहले तो अगर हम मीडियम टर्म अगर उसका व्यू देखें तो एक रेंज में बना हुआ स्टॉक, रेंज काफी वाइड है 580 से 680 का, और इसके पार जा पाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टॉक के लिए। और अभी और एक महीना कम से कम मुझे लगता है कि इसी रेंज में बने रहना चाहिए स्टॉक में, तो अभी एकदम बीच में खड़ा है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगा। बट अगर किसी के पास ऑलरेडी अगर यहाँ पे होल्डिंग है तो मेरी सलाह होगी कि होल्ड करें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 620 रुपये का, और अगर अपसाइड में 670 के आसपास मिलता है जो कि रेजिस्टेंस के पास है, तब आप एक बार वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले सकते। बट अगर फ्रेश खरीदारी के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि और भी बेटर स्टॉक्स हैं मार्केट में जहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मीन रिवर्टिंग स्टॉक में नहीं जाना चाहिए, बट अगर किसी के पास है तो होल्ड करने की सलाह होगी।
जी, तो होल्ड करने की सलाह है बायोकॉन, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन पर देखना होगा आज कैसा ट्रेड बनेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो क्रूड उछला है वापस $76 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या वो इनका मूड बिगाड़ेगा, इस पर इनफैक्ट एक राय ले लेते हैं। राकेश आप बताइए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर आज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए दीपाली, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में BPCL का स्ट्रक्चर सबसे अच्छा था। ये स्टॉक ने 425 के ऊपर निकलने की कोशिश भी करी बट ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया, और कल नीचे में आप देखें तो 408-410 इसका एक अच्छा बेस है, वहां से एक रिबाउंड दिखाया है। एज ऑफ नाउ बिल्कुल यहां पर मैं बाइंग का नजरिया नहीं बनाऊंगा, अगर यहां पर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो सेल साइड में जाना चाहूंगा। ऊपर की तरफ इन स्टॉक्स ने रैली नहीं दिखाई है और नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, अगर किसी ने ले रखा है मेरा ऐसा मानना है तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए और शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर जब नीचे में एक टेक्निकल ब्रेकडाउन देखने को मिले तब करना चाहिए। अच्छा, अभी बेचना नहीं है, अभी खाली तेजी की पोजीशन है तो बेचे, लिंक खुलेगा नीचे तो फिर क्या करेंगे? अनिल जी देखिए, जैसे 408 के नीचे BPCL चलेगा तो यहाँ पर उसको खराब हो जाए, तो खराब हो जाए। ठीक है, चलिए खुलने के बाद पूछ लूंगा मैं आपसे। एविएशन शेयरों पर भी एक फटाफट राय ले लूँ फिर शुभम से। शुभम, जेट नहीं, बैन में नहीं है, अच्छी बात है। जेट और इंडिगो कुछ बेचेंगे आप? यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं बनाऊंगा अनिल जी, बिकॉज उसका रीजन है, अगर आप जेट एयरवेज का अगर चार्ट देखें तो काफी लंबे समय से, मुझे लगता है 15-20 दिनों से एक जो रेंज है वो काफी नैरो हो गया है। सो नॉर्मली ये स्टॉक में बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, बट अगर रेंज इतना नैरो होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो फॉल हुआ था वो एक बार मुझे लगता है कि एग्जॉस्ट होता जा रहा है, और हो सकता है थोड़े समय के बाद हमें एक पुल बैक मोड में दिखे स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की भी राय नहीं दूंगा, बिकॉज ओवरऑल जो ट्रेंड है वो वीक है, एक पुल बैक जरूर हो सकता है। बट अगर कहीं पे ट्रेड बनाना है तो मुझे लगता है इंडिगो एक बेटर प्ले स्टॉक है, जहां पे जो अभी का जो प्राइस एक्शन है वो दिखा रहा है कि लोअर एंड पे प्लेस है स्टॉक, और मुझे लगता है कि वहां पे पुल बैक का चांसेस काफी हाई है। तो अगर थोड़ा नीचे मिलता है 1150-1145 के आसपास, तब हमें एक बाई ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस हो गया है 1120 का, और मुझे लगता है 1220-1225 तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो गिरावट पर खरीदारी की सलाह इन स्तरों पर नहीं, अगर नीचे मिले 1145-50 के आसपास तो आप खरीदिए 1220 के लक्ष्य के लिए इंटरग्लोब एविएशन। लेकिन और कहां आप पोजीशंस बना सकते हैं आज के लिए, ये जान लेते हैं रजत से, क्योंकि उनके पास है ट्रेडिंग पिक्स। बताइए रजत। बिल्कुल, एक्सिस सिक्योरिटीज का आज पहली राय आया है हेक्सावेयर पे, कल भी तेज था ये स्टॉक लेकिन ये तेजी बढ़ सकती है आज भी, 480 का लक्ष्य दे रहे हैं हेक्सावेयर पे और 450 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। लेकिन जो स्टॉक दो ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर है वो है गोदरेज कंज्यूमर्स, पहला एक्सिस सिक्योरिटीज, ये टारगेट लेकर चल रहे हैं 1235 का और 1175 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। दूसरा चॉइस ब्रोकिंग बोल रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इस समय चार्ट्स पे, लेकिन ये पोजिशनल पिक है, 1265 का लक्ष्य है और 1150 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की दी गई है। Inox Leisure ये भी चॉइस ब्रोकिंग के रडार पर है, 289 का टारगेट, 259 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह। और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने आज के लिए चुना है भारत फाइनेंशियल, इस स्टॉक में एक्शन तेज हो सकता है, 1224 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और 1186 ये भारत फाइनेंशियल पे खरीदारी करने की सलाह है। और IDBI कैपिटल, वोल्टास, इनका मानना है कि कल जो तेजी बनी थी हो सकता है कि आज ये और एक्सटेंड हो, 545 का लक्ष्य और 523 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास पे बेट लगाने की सलाह। ओके, तो एक काम तो अच्छा किया आपने रजत, वो कि सारे के सारे बाय कॉल्स दिए, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि आपके सारे बाय कॉल्स आए, तो ये बढ़िया, थोड़ी रिलीफ की बात है कि कम से कम ब्रोकरेज हाउस बहुत ज्यादा बिकवाली के मूड में तो नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है।